वक्त की बड़ी खबर, भारतीय रेलवे का दुश्मन नंबर एक गिरफ्तार हो गया है। कानपुर में भयंकर रेल हादसे की साजिश रचने वाले शमसुल होदा को नेपाल में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जांच एजेंसियों के दबाव में उसे दुबई से रिपोर्ट किया गया है। होदा से फिलहाल पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि होदा ने दुबई में बैठकर रेल की पटरियों से लेकर पूरा रेलवे स्टेशन तक उड़ाने की साजिश रची थी। सबसे बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हिंदुस्तान में, रेलवे स्टेशन उड़ाने की साजिश बेनकाब। आईएसआई का नेपाली मास्टरमाइंड गिरफ्तार। नेपाल में धरा गया दुबई से दहशत फैलाने वाला। आईएसआई की नापाक साजिश पर बड़ा खुलासा। भारतीय जांच एजेंसियों का दबाव रंग लाया और छोटा दाऊद बनने की राह पर चल पड़ा शमसुल होदा। काठमांडू से धर लिया गया। भारतीय जांच एजेंसियों के दबाव में ही उसे दुबई से काठमांडू लाया गया, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और एनआई की टीमें पहले से मौजूद थी। शमसुल होदा की गिरफ्तारी के बाद उससे दो दिनों तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसे कलैया ले जाया गया है, जहां होदा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काठमांडू में एनआईए और नेपाल पुलिस की स्पेशल ब्यूरो ने उससे पूछताछ की है। सूत्रों का कहना है कि शमसुल होदा ने पूछताछ में अपने पाकिस्तान कनेक्शन की बात मान ली है। जांच एजेंसियों को कानपुर रेल हादसे में साजिश के अहम सबूत मिले थे। इस हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल से गिरफ्तार वृद्ध किशोर गिरी के फोन से एक ऑडियो क्लिप मिला था, जिसमें रेल हादसे की साजिश की बातचीत है। नेपाल पुलिस ने एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियों को ऑडियो क्लिप सौंप दिए हैं। होदा की गिरफ्तारी भारतीय जांच एजेंसियों की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अरविंद ओझा के साथ आज तक।